सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था की मेहरबानियां हैं। जहां अस्पताल के बेड नंबर 28 पर मिस्टर डीओजी साहब आराम फरमा रहे हैं। अब आप अगर ये सोचे कि कुत्ता है तो क्या बिस्तर पर नहीं बैठ सकता, तो जवाब है कम से कम महिलाओं के सर्जिकल वार्ड के भीतर के अस्पताल के बेड पर तो नहीं। वो भी कोई गांव देहात कस्बे का अस्पताल नहीं, ये मुरादाबाद का जिला चिकित्सालय है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा वाले कॉरिडोर में फैली गंदगी का मुआयना करने के बाद भूरे रंग वाले श्वान बहादुर पुरुषों के सर्जिकल वार्ड से आगे बढ़े। फिर शौचालय के भीतर निरीक्षण करने के बाद नर्स ड्यूटी रूम के पास से होते हुए ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजरे। डीओजी साहब को अस्पताल में कोई कमी नजर नहीं आई। बस इसी के बाद मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में डीओजी साहब महिला सर्जिकल वार्ड के बिस्तर पर क्या थोड़ी देर आराम करने लगे, इंसानों ने मुद्दा बना दिया। जिस वार्ड के बिस्तर पर अव्यवस्था का निरीक्षण करके थक हार कर डोगा बैठा, वहीं अपनी पत्नी का इलाज कराते रामकुल शर्मा को कांटे चुभने लगे। कहते हैं कि कुत्ते से संक्रमण हो सकता है, सीएमओ कहते हैं कार्रवाई करेंगे। यहाँ वार्ड के अंदर आती है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। डर भी लगा रहता है मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ, ये तो बने हुए स्वाभाविक है कि आजकल वैसे भी COVID-19 का पीरियड चल रहा, और उसमें फिर कुत्ते जाने कहाँ कहाँ से वो वायरस लेके आ जाए, तो तमाम पेशेंटों पर वायरस का असर आ सकता। जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु कहा है, और उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अगेंस्ट की जाएगी, जिम्मेदार आदमी के अगेंस्ट। ये अत्यंत ही गलत बात है कि हमारे चिकित्सालय में कुत्ते वार्ड के अंदर घुसते हुए पाए गए हैं। शायद इसीलिए 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़े राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के पैमाने पर 21वें नंबर पर रहा। अब जरा बैरिस्टर यूसुफ इमाम के नाम पर मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय का हाल देखते चलिए। अस्पताल में मरीज के परिजन का आना जाना आम बात है, लेकिन कुत्ता भी यहाँ घूमे तो सामान्य समझ लीजिए, और मान लीजिए कि ये भी बस अव्यवस्था का दर्शन कर और करा रहा है। अब सर्जिकल वार्ड के ऊपर लिखा सरकारी संदेश पढ़िए, रोगी से मधुर व्यवहार करे, सहानुभूति दे लिखाने वाली व्यवस्था ने, देख लीजिए शौचालय के पास बिस्तर लगाकर रोगी को लिटा रखा है, ये है मधुर व्यवहार और यही है सहानुभूति। उम्मीद क्या करिएगा, अब अस्पताल के ही अंदर रोगी और डॉगी दोनों अगल बगल सरकारी बिस्तर पर लेटे नजर आते हो। बस फर्क इतना ही छोड़ा यहाँ के कर्ता धर्ता ने कि रोगी को कंबल मिला, डॉगी को नहीं। बाकी निरीक्षण करने वाले डीएम साहब अब यहाँ कहते हैं, सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है, और इनको निर्देश दिए गए कि साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसमें सुधारा जाए। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो अगर इनको बताया गया कि सप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ से लोकल परचेज कर ली जाए। मतलब जिस मंडल अस्पताल में मरीजों के बिस्तर के पास कुत्ते सोते नजर आ रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं। वैसे मुरादाबाद और मिर्जापुर के सरकारी जिला अस्पताल में बेड पर लेटे कुत्ते और मरीज दोनों ज्यादा सुरक्षित ही समझिए, क्योंकि कानपुर के केपीएम अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की छत से तो प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा ही गिर पड़ा। मरीज दावा है यहाँ भी बाल बाल बच गए। आज तक ब्यूरो।